वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के आज नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं. क्वेश्चन है हमारे पास में, मिस्टर एक्स टू का लोन ऑफ द 2000 रुपीज फॉर 6 मंथ. तो बच्चे, जो लोन है प्रिंसिपल आपका है 2000 रुपीज फॉर द 6 मंथ. टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि 6 मंथ का ये. लेंडर डिडक्ट्स द 200 रुपीज एज ए इंटरेस्ट वाइल द लेंडिंग. जब वो लोन दे रहा होता है ना, तो उसी समय वो 200 रुपये एज ए इंटरेस्ट वो डिडक्ट कर लेता है उसी समय पे. तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रा समझें कि अगर उसने एज ए इंटरेस्ट 200 रुपये ले लिए बच्चे, ठीक है, एज ए इंटरेस्ट, तो फिर एज ए लोन अमाउंट कितना गया? कि 2000 रुपये तो उसने कहा था, ठीक है मैं 200 रुपये इसमें ब्याज रख लेता हूँ अपने एडवांस में. तो उसको लोन कितना दिया उस समय? लोन उसको तो बच्चे 1800 रुपये गया ना. तो इसका मतलब है कि आप इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 200 रुपीज़ उसने पे कर दिया. और लिया कितना उसने? उससे 1800 रुपये ही तो उसने अपने हाथ में लिए उससे. आपको लग रहा कि आप 2000 रुपये पे कर रहे हो, यही तो वो आपसे गेम खेल गया. आपको हाथ में कितने पड़ा? 1800 रुपये. आपने कितना पे करा उसको? 200 रुपये. बात समझ रहे हैं आप? तो 1800 रुपये आपको जो है आपके हाथ में आए, और आपने 200 रुपये क्या करा उसको? एज अ टैक्स पे कर दिया, एज अ इंटरेस्ट, सॉरी, एज अ इंटरेस्ट पे कर दिया. तो आपके पास में जो इंटरेस्ट है आपका वो कितना आया आपके पास में? 1/9 रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ठीक है, 6 महीने के लिए. बट आपसे पूछ क्या रहा है? इंटरेस्ट वाइल द लैंडिंग, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज आप एनुअल कैलकुलेट करते हैं. तो ये तो 6 मंथ का हो गया, 6 मंथ का. आप इसको एनुअली कैलकुलेट, 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ के लिए ही पैसा लिया था उसने, तो 6 मंथ के लिए 200 रुपये उसने इंटरेस्ट पे करा है, तो 6 मंथ का ये, तो एनुअली कितना है? तो आप एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता लग गया उसको पे क्या कर रहा है वो. तो आप यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या आ गया? प्रिंसिपल, लाइक 1+i एंड रेस टू पावर i अपॉन में जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है, ठीक है बच्चे, एंड MT अमाउंट हो जाएगा -1. ये क्या जाएगा आपका? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बच्चे. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपके पास में, मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय एम क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ये आपका 1/9 है ना, 6 मंथ के लिए ही है. जब ये एनुअल होता ना, तो फिर इसको मैं 6 मंथ में ट्रांसफर करता, ठीक है. तो इसलिए इसको नहीं किया मैंने यहाँ पर, 1+1/9 0.11 रेस टू पावर 2-1 1.11 रेस टू पावर 2-1 1.11 इंटू 1.23 21-1 एंड 0.23 21 इंटू 123.21%. ये इसका क्या आ गया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? ये एनुअल आ गया कि आप एनुअली ये चार्ज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, चलो एक ही क्वेश्चन आप ट्राई करते जाएंगे. इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, साथ साथ आप ट्राई भी कर लो अगर आपको आता है तो. टू व्हाट अमाउंट विल बी 12,000 रुपीज आपके पास में? टू व्हाट अमाउंट विल 12,000 क्या अमाउंट बन जाएगा? तो ये आपके लिए क्या है? द प्रिंसिपल है. टू एक्यूलेट इन 12 इयर्स इन इन्वेस्टेड एट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. टाइम आपके पास में क्या है? 12. ये तो सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी पर डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे. एंड द 12 इयर्स इफ द इफेक्टिव एट अ रेट ऑफ 5%. तो ये इफेक्टिव दे दिया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना. आपको इसमें क्वार्टरली मंथली इसका कोई सीन ही नहीं है जो आपको दे दिया. अब देखो बच्चे, एस इक्वल्स टू क्या करते हैं? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+i/m रेस टू पावर
एम इंटू टी, बट यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन नहीं है ना, तो यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला कौन सा लगाएं, पी इक्वल वन प्लस में आई रेज टू पावर, अब आपके पास फिर 12 ईयर है ना, रेज टू पावर आपके पास में टी, एनुअली में तो आप टी भी रख सकते हो, ठीक है ना, एन कितने ईयर के लिए, तो आपके पास में सम ऑफ अमाउंट निकाल रहे हो, प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपीज़ है बच्चे, वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 एंड पावर टू, एस इक्वल्स टू सिंपल है कर सकते हो, एंड क्या आ गया आपके पास 1.0512, बट आप मैं दो तरीके बता आपको बता रहा हूँ, लॉग से कैसे करना है और नॉर्मल कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। कैलकुलेटर में तो आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे, 1.05 इनटू इक्वल्स टू को प्रेस करोगे आप कितने बार, 12 है तो एक 13 नहीं बन जाए, ज़्यादा हो गया, वन पॉइंट जीरो फाइव, क्या बच्चे कमेंट के थ्रू पूछें, 1.05 इंटू क्या आपके पास में 12 है ना, 13 आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेटर पे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ 13 आ जाएगा, अब इक्वल्स प्रेस करते रहो, एक ज़्यादा जब तक नहीं आ जाता है, 12 तो 13 तक आएगा, एस इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1.7958 इंटू 12,000, तो अमाउंट क्या बन गया आपका 21,550 रुपीज़ 0.27 पैसा, दिस वन क्लियर है बच्चे। सेम क्वेश्चन अगर आप लॉग से करना चाहते सॉल्यूशन, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम जाएगा आपका, मैं कैलकुलेशन कुछ पार्ट बता रहा हूँ, लाइक एस इक्वल्स टू क्या आया आपका 12,000 ब्रैकेट 1.05 रेज टू पावर 12, ठीक है बच्चे। अब आप क्या कर सकते हो, ना पापा एक काम करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि अपनी मर्जी से एक जगह लॉग तो नहीं लगा सकते ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, चलिए क्या आएगा, लॉग अमाउंट इक्वल्स टू यहाँ पे आप लेंगे लॉग, पहले ले लो आप लॉग, लॉग लोगे किसके लिए 12,000 1.05 रेज टू पावर 12, क्लियर है बच्चे, फिर मैं आपको कोई डाउट, अब देखो लॉग किसको मल्टीप्लाई करेगा, लॉग इसको भी मल्टीप्लाई करेगा एंड लॉग इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, दो चीज़ें ना, तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग 12,000 प्लस हो जाएगा ना लॉग, क्योंकि ए इंटू बी लॉग ब्रैकेट ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस बी, लॉग 1.05 रेज टू पावर 12 एंड लॉग एस इक्वल्स टू लॉग 12,000 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 12 पे 0,0 देखोगे लॉग टेबल में, हाँ लॉग टेबल है 12 पे 0, ठीक है बच्चे, तो क्या वैल्यू आई आपके पास में 0.792, क्लियर है बच्चे, और कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे आपके पास में फोर, लाइक 1, 2, इसको तो आप 4 डिजिट में ऐसा कंसीडर कर लें आप, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा ना, एक माइनस हो जाता है ना बच्चे, 3.792 एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 लॉग 1.05, ये क्या आया लॉग, कभी मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है नीचे आ जाता है, तो पावर नीचे आ गया, सॉल्व करेंगे आप लॉग एस इक्वल्स टू 3.792 प्लस 12 इंटू लॉग, आप देखेंगे यहाँ पर
10 पे 5 देखो लॉग, 10 पे 5 क्या आया, 0.0212 दिस वन, क्लियर है बच्चे, ये वैल्यू आई अभी। अब कितना एक है तो माइनस एक करेंगे जीरो ही आएगा यहाँ पे, तो लॉग टेबल देखना मैंने सिखा दिया है, आप उसे देख लीजिए, लॉग एस इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, पॉइंट 0212 इंटू 12 3.792 प्लस 0.2544 लॉग एस इक्वल्स टू 3.792 4.0464 ठीक है। अब देखो S इक्वल्स टू क्या करोगे आप, एंटी लॉग निकालोगे है ना, एंटी लॉग 4.0464 ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास में इसकी वैल्यू निकालोगे ना एंटी लॉग में, 04 पे 64 एंटी लॉग टेबल मेरे पास में है, ये एंटी लॉग में 04 पे, ये डेसिमल के बाद देते हैं मेंटिसा को, 04 पे 64 04 पे 6112 04 पे 6 and 4 1 ठीक है बच्चे। तो क्या आया मेरे पास में यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1113 ठीक है बच्चे, और इससे पहले क्या है मेरे पास में 1, तो 4 + 1 इक्वल्स टू 5 डिजिट का पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 दिस क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आ गया, एक सेकंड चेक करने दो एक बार, कहाँ पे मिस्टेक हुई है देखो, कहाँ मिस्टेक की हमने, लॉग की वैल्यू में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमारे से, यहाँ से लेके चलता हूँ मैं दोबारा, अच्छा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है। आपको कई बार सॉल्यूशन लॉग के साथ मिलेगा तो वहाँ कन्फ्यूज होंगे कैसे करा हुआ है,
उफ, क्लास आपकी स्पॉइल हो गई आज की तो।